सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गर्मियों में धूप से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। धूप वैसे तो अपने शरीर के लिए अच्छी होती है क्योंकि धूप से हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, लेकिन धूप में यूवी रेज और विजिबल लाइट भी होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती। गर्मियों में यूवी रेज थोड़ी तेज होती है क्योंकि गर्मियों में सूरज का एंगल कुछ ऐसा होता है कि सूरज की किरणें सीधे हमारे पास आती हैं, जबकि सर्दियों में वे एक अलग एंगल से आती हैं जिससे उनका असर कम होता है। इसी प्रकार जो लोग इक्वेटर के जितने पास होंगे उन पर यूवी रेज का असर उतना ही ज्यादा होगा। यूवी रेज से नुकसान इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर स्किन लाइट कलर की है तो नुकसान ज्यादा होगा, जबकि डार्क स्किन वालों को कम नुकसान, क्योंकि डार्क स्किन में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। एक और जरूरी चीज है वो ये कि कितनी देर तक आपका सन एक्सपोजर होता है। जितनी ज्यादा देर आप धूप में रहेंगे नुकसान होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अपन कितनी देर तक सेफली धूप में रह सकते हैं ये सबके लिए अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यूवी रेज से हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इनसे सनबर्न हो सकता है, त्वचा का रंग काला पड़ सकता है, मेलाज्मा हो सकता है, आंखों को नुकसान हो सकता है और लॉन्ग टर्म में स्किन में प्रीमैच्योर एजिंग चेंजेस भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं जोर दे के कहना चाहूँगा कि यूवी रेज के नुकसान के डर से कहीं ऐसा नहीं हो कि आप धूप में निकलना ही बंद कर दें या बिना सनस्क्रीन के निकले ही नहीं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि धूप हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। इससे न केवल विटामिन डी हमें मिलता है बल्कि और भी बहुत सारे फायदे हैं। सन एक्सपोजर से नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और इन सब फायदों के कारण से आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको सन एक्सपोजर से होने वाले फायदों और नुकसान के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। यूवी रेज के अलावा गर्मियों में जो दूसरा नुकसान होता है वह होता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण से। गर्मी बढ़ने से पसीना ज्यादा होता है जिससे शरीर से वाटर लॉस बढ़ सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा पसीना ज्यादा आने से घमौरियाँ हो जाती हैं। गर्मियों में पसीने के साथ साथ स्किन में ऑयल भी ज्यादा निकलता है जिससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स निकलने का डर रहता है। तो इन सब नुकसानों से बचने के लिए और हमारी त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे पास चार उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि क्लिंजिंग। आप जानते हैं गर्मियों में शरीर पर पसीना, धूल मिट्टी, स्किन का ऑयल, स्किन के डेड सेल्स और पॉल्यूशन आदि सब चीजें जमा हो जाती हैं, तो इनको साफ करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रोजाना हमें दिन में एक या दो बार नहाना चाहिए। फेस वॉश के लिए ऑर्डिनरी साबुन की बजाय जेंटल क्लिंजर्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्लिंजर्स के साथ साथ फैटी अल्कोहल्स भी होते हैं जो हमें साफ करने के साथ साथ चिकनाई भी प्रदान करते हैं। तो अगर स्किन ऑयली है तो स्किन ऐसे क्लिंजर्स यूज कर लीजिए जिसमें सलिसिलिक एसिड हो। गर्मियों में त्वचा का अच्छा रखने का दूसरा उपाय है मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग। फेस वॉश करने के तुरंत बाद हमें मॉइस्चराइजर्स लगाने चाहिए। गर्मियों के लिए मॉइस्चराइजर्स लाइट होने चाहिए, यानी ये जेल बेस्ड हो या फिर वाटर बेस्ड हो। मॉइस्चराइजर्स को जब त्वचा थोड़ी सी गीली हो तभी लगा लेना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होता है। मॉइस्चराइजर्स के बाद में तीसरा उपाय है सनस्क्रीन। अगर हमारा सन एक्सपोजर ज्यादा देर का होने वाला है तो फिर हमें सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन में हमें यूवी रेज से होने वाले नुकसान से बचाती हैं और विजिबल लाइट से बचाती हैं। तो गर्मियों में लगाने वाली सनस्क्रीन कुछ अलग तरह की होती हैं, वे वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड होनी चाहिए। SPF 30 या इससे ज्यादा होना चाहिए। टिंटेड सनस्क्रीन अगर यूज करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है। ये यूवी रेज के साथ साथ विजिबल लाइट को भी ब्लॉक कर देती है। सनस्क्रीन धूप में जाने से आधा घंटे पहले लगाना चाहिए और हर 2-3 घंटे में रिपीट कर लेना चाहिए। गर्मियों में होठों को भी बड़ा नुकसान होता है। होठों सूख जाते हैं, पपड़ी आती है, क्रैक हो जाते हैं, तो इसके लिए अपने को ऐसी लिप बाम का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें SPF 15 या इससे ज़्यादा की सनस्क्रीन पड़ी हुई हो। इसे हर 2 घंटे में लगाते रहें और इसी तरह से अगर लिपस्टिक लगाएं तो डार्क शेड्स यूज करने चाहिए। गर्मियों में त्वचा को अच्छा रखने का चौथा उपाय है धूप से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ। इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं इनको यहाँ बताना चाहूँगा। गर्मियों में धूप का असर सुबह 10 बजे से और दोपहर 4 बजे तक ज़्यादा होता है, इसलिए इस टाइम पर धूप में जाने से बचना चाहिए। धूप से बचने के लिए हमें छाते का प्रयोग करना चाहिए। सिर पर टोपी के बजाय हैट लगाना चाहिए
जिससे सिर के अलावा फेस और कान की भी बचत हो सके। कमीज या कुर्ता पूरी बाहों का होना चाहिए और फुल पैंट होनी चाहिए, शॉर्ट्स नहीं। कपड़े कॉटन के होने चाहिए और लूज होने चाहिए। धूप से बचने के लिए हम सब सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सनग्लासेस कैसे होनी चाहिए ये जानना यहाँ जरूरी है। सनग्लासेस यूवी रेज से 100% प्रोटेक्शन वाले होने चाहिए। इन पर 100% यूवी प्रोटेक्शन का टैग होता है, इसलिए हमेशा किसी अच्छे ब्रांड के लेने चाहिए। अगर सनग्लासेस यूवी प्रोटेक्शन वाले नहीं है तो आपको फायदे की बजाय ज़्यादा नुकसान देंगे, क्योंकि सनग्लास लगाने से क्या होता है, अपनी आँख की पुतली जो होती है वो चौड़ी हो जाती है, और अगर उसमें यूवी प्रोटेक्शन नहीं है तो उसमें ज़्यादा यूवी रेज अंदर जाएंगे जो आपको डैमेज कर सकती है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि ज़्यादा डार्क कलर के ग्लासेस आपको यूवी प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, हाँ वो आपको थोड़ी ठंडक जरूर दे सकते हैं। सनग्लासेस ऐसे होने चाहिए कि जो आंखों को पूरी तरह से कवर कर सके, इनको हम कहते हैं रैप अराउंड ग्लासेस। गर्मी में त्वचा को अच्छा रखने के लिए एक और जरूरी सावधानी आपको रखनी है, और वो ये है कि आपकी स्किन का हाइड्रेशन बराबर मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो स्किन सूख जाएगी, खुरदरी हो जाएगी और एकदम डल नजर आएगी। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको गर्मियों में जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए, इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी बाहर निकलें पानी हमेशा आपके साथ होना चाहिए। पानी के अलावा लिक्विड्स जैसे कि फ्रूट जूसेस हैं, नारियल पानी है या गन्ने का रस है, ये भी अपने साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी वाले फ्रूट्स जैसे कि तरबूज, खरबूजा, संतरा, पाइनएप्पल, ये भी आप गर्मियों में खाते रहना चाहिए। तो ये थे गर्मियों में आपकी त्वचा को अच्छा रखने के उपाय। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार गर्मी से जुड़ी एक और समस्या के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।